वाले लोग हैं उनकी जमीन को संरक्षित किया जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं सीएनटी कानून को तार तार किया जा रहा है। आज धनबाद नगर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंडियों की छाती पर चढ़ के आगे बढ़ रहा है। लगातार झारखंड के लोग दब रहे हैं और जो लोग यहाँ से के नहीं हैं, जो कानूनी रूप से भी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि सीएनटी की मैक्सिमम जमीनें हैं, आज अपने आप को फैला रहे हैं। और ऐसे में कलेक्टर तमाशा देख रहे हैं, कमिश्नर तमाशा देख रहे हैं, यहाँ के सेक्रेटरी तमाशा देख रहे हैं, राज्य की सरकार तमाशा देख रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है जमीन कानून जहाँ से सुधार किया जाता है, जमीन कानून को जहाँ से संरक्षण मिलता है उसे हम अनुसूची 9 कहते हैं। वहाँ 284 या 285 कानून जो सभी राज्यों की है सूचीबद्ध है अनुसूची 9, और वो सदन का विषय है, वो लोकसभा और राज्यसभा जो सदन है वहाँ चर्चा परिचर्चा का विषय है। इसलिए हम लोग लोकसभा का जो चुनाव में जाएंगे, झारखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बिरसा मुंडा के सपनों को तार तार करके उस समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है, वो समस्या जमीन कब्जा करने की समस्या है, जमीन माफियाओं की समस्या है। उस समस्याओं का समाधान, उस समस्या पर डिस्कशन, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सदन में होगा। इसलिए हम लोग सदन की चुनाव की दादा अपना जमीन दे के भी लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे में लोग किस पे यकीन करें? बिल्कुल, एक बहुत गंभीर समस्या है। FCI हमारी जमीन पर, हर्ल हमारी जमीन पर, तमाम कोयला की परियोजनाएं हमारी जमीन पर, टाटा हमारी जमीन पर, टिस्को हमारी जमीन पर, हिंडालको और HEC हमारी जमीन पर, घाटो कुजू मोरपा से लेकर मगध आम्रपाली तक हमारी जमीन पर, लेकिन हमारे लोग आज पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वह उदासीन हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं लोभी हो चुकी है। वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करती है। इसीलिए आज देख रहे हैं हमारे नेता मंत्री फंस भी रहे हैं ईडी के रडार में, अपने लाभ को देख रही है। लेकिन इसलिए मेरा मानना है जिस दिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय से अगर कोई नेतृत्व करने के लिए आगे निकलेगा, जैसा कि हम लोग निकल रहे हैं, इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हुआ हम लोग बिना किसी पद में रहकर अभी तक रैयतों को, विस्थापितों को लगभग 12 करोड़ तक का मुआवजा दिला चुके हैं और लगभग 1000 के आसपास उनको नियोजन में भी जो 2017 का पेंडिंग था, 18 का पेंडिंग था, हम लोग बहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब सदन में हमारा उपस्थिति होगी तो हम लोग मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज के युवा रोजगार के लिए भटक रहे, केंद्र सरकार द्वारा जो रोजगार देनी चाहिए थी वो रोजगार नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार रोजगार नहीं भी देगी और युवाओं का वोट ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है, जो केंद्र सरकार है वो बहुत शासित सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वह अरिस्टोटल को भी पढ़ती है, वह हिटलर को भी पढ़ती है, वह विवेकानंद को भी पढ़ती है, वह भगत सिंह को भी पढ़ती है, वो सारे लोगों को अध्ययन करके बैठी है। इसीलिए उस केंद्र की सरकार को मालूम है कि युवाओं को चाहिए क्या, उन युवाओं को क्या नशा चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर उन युवाओं का दरकार क्या है, ये केंद्र सरकार को मालूम है। इसलिए युवा लोग लाख नाराज हो जाएं, लाख बेरोजगार हो जाएं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अप्लाई करेगी। अरस्तु का 2500 साल पहले का स्टेटमेंट, जिनने आज जो केंद्र सरकार आज काम करती है, अरस्तु ने लगभग 2500 साल पहले ही कहा था कि जब राजा से प्रजा खुश हो जाए तो राजा को चाहिए या तो पड़ोसी राज्य से युद्ध झेल लेना चाहिए या फिर उस राज्य को धार्मिक और देशभक्ति की भावना में समाहित कर देना चाहिए, और ये सरकार जानती है। दूसरों पार्टियों का कहना है कि जयराम मा तो भड़काऊ भाषण देते हैं। हाँ, देते हैं। ऐसा हाँ, देते रहेगा हैं। तो नेता नहीं बन पाएंगे। देते हैं। अरे नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के मैंने जो लोग अपना शक्ति को हिन्न कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहता तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते हैं। हम तो चाहेंगे अच्छा है, बिल्कुल, हम लोगों को नेता मत बनाइए, फिर देखिए हम लोग कहाँ से लड़ते हैं। दादा CGL का एग्जाम ठीक से कंप्लीट भी नहीं होती और पता होता है कि लीक हो जाता है, उन पर क्यों नहीं विचार किया जाता? आखिर स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? हर कोई पार्टियां अपनी बात करती है। देखिए हर कोई पार्टियां है, उनका अपना एक वोट है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो CGL की परीक्षा है, हमारे साथ जो अभी लीड कर रहे थे देवेंद्र दास से टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने बहुत दुखी स्वर में कहा कि हमारी जान को भी खतरा है, हमें लगातार मैसेज के माध्यम से धमकियाँ मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सर 5 अरब का खेला होने वाला था। जो भी माफियाँ हैं, परीक्षा माफियाँ, 5 अरब में बहुत बड़ा राशि होता है। तो जब समझ सकते हैं कि नेता विधायक उनकी औकात अभी क्या है, उनको अगर आप 50,000 देंगे तो मुंह बंद रखेंगे, 5 अरब बहुत बड़ा विषय होता है। अगर उसमें उनका 10% ही हिस्सेदारी है नेताओं की, तब सोचिए उस 5 अरब का 10% क्या होगा। 112 खदान झरिया में ही है विवाद, लेकिन 112 खदान को जब आउटसोर्सिंग, जब प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जाता है, तो क्यों नहीं जिनकी जमीन है उनको रॉयल्टी में ही देने का हक हो, ऐसे क्यों नहीं प्रावधान है? गंभीर विषय है, और इसमें इस विषय में थोड़ा सा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं।
सिर्फ भले हम लोग दो साल से मुख्यमंत्री के विपक्ष में थे और आगे भी विचारधाराओं से टकराएंगे, लेकिन ये जो विषय आप कहें, मुख्यमंत्री शायद हाईकोर्ट भी गए थे इसी आप जो कह रहे थे कि जिनकी जमीनें हैं उनको मालकियत का हक मिले, ये उन्होंने पहल किया था, सर्वे किए, वो IDCD BDO उन पर लग गया। यानी इस राज्य में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, साफ शब्दों में कहा जाए सिस्टम को ना अगर कहा जाए अडानी एंड प्राइवेट लिमिटेड तो बुरा नहीं है, तो एक ऐसी कॉरपोरेट की शक्ति काम कर रही है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मनमाने ढंग से कोयला का जो खनन का जो मात्रा उसको बढ़ाएगी। अगर आप जमीन देने से बाध्य होंगे तो पहले फर्जी केस होगा और फर्जी इनकाउंटर होगा, और मुझे लगता है कि झारखंडियों के कत्लेआम करके एक बहुत बड़ा कोयला का व्यापार विस्तार किया जाएगा। कंपनी एक्ट अधिनियम जब पढ़ते हैं, अगर कोई अधिग्रहण करता है कंपनी के नाम पे और वो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो वो जमीन का मालिक पुराना मालिक का ना हक होता है, लेकिन एलोड्राम में अभी 10-10 किलोमीटर तक घेरा हुआ है और अभी भी FCI और SSC के नाम पे रखा गया है और ना ही उनपे मालिक का ना हक दिया जाता है, ना ही उन्हें रोजगार दिया जाता है। आखिर ऐसे युवाओं के साथ और जमीनदारों के साथ क्यों खेला जाता है? हम इसलिए कहना चाहेंगे, हालांकि कहीं ना कहीं ये बात कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन मजबूरी में एक लड़का जो आज दो साल से विस्पान कर रहा है, आज गांव-गांव जाकर समस्याओं को देख रहा है, तो मजबूरी मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि जो भी कोयलांचल के लोग हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्र में बसे हुए झारखंड के लोग हैं, जो भी नगर निगम के आसपास बसे हुए लोग हैं, उन्हें चाहिए कि अब हम दो हमारे दो नहीं, एक तीसरे को जन्म देना चाहिए और उसे विस्पान कराना चाहिए, उसे युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमें लगता है कि आने वाला दिन, सही बात है एलोड्राम में लगभग 10 किलोमीटर के एरिया दिखता है जो खाली पड़ा है, जबकि अगर कानूनी दृष्टिकोण से भारत के संविधान के दृष्टिकोण पर अगर हम बात करें तो वो जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए, जिन जो पुराने मालिक हैं उनके पास वो जमीन ट्रांसफर हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सिस्टम कमजोर है और इन लोगों ने पंगू बनाकर रखा है, इसलिए अब चाहिए कि तीसरे बेटे को युद्ध के लिए एक योद्धा बनाकर तैयार करना चाहिए जो हमारे साथ जुल्म और अत्याचार का हिसाब ले सके। एक तरफ राहुल गांधी का पद यात्रा होता है और एक तरफ JMM स्थापना दिवस और दूसरा तरफ देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो अकेले जन आशीर्वाद सभा करते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है और जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल है, कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से फैले हुए लोग हैं, वह अपने केडर पार्टी कार्यकर्ता के अनुसार मजबूत हैं, वह धनबल से मजबूत हैं, अगर उन दोनों मने दिग्गजों के बीच अगर हम अपनी सभा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं हम लोग बिना किसी पद में रहकर अगर लोगों के बीच अपनी बातों को जाके रख रहे हैं और उसमें हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे तो इस राज्य में और इस जिला में हम लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं, तभी हमारे साथ ये हो रहा है। करने वाले लोगों को आप आज डांट दे रहे थे, आज भी डांटे हैं, कल भी डांटेंगे हम, एक बात बताइए क्या गलत कहा आज आप, क्योंकि देखिए रिपोर्टर लोग केवल जयराम महतो का रिपोर्टिंग मत कीजिए या फिर रिजवान और करण और मोतीलाल का रिपोर्टिंग मत कीजिए, आप कभी सड़क हादसों पर खुद आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं और युवा किन कारणों से आज उनकी जान जा रही है उस पर चर्चा को करनी चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ लगभग मेरे जन अनुमान में पिछले एक महीने में 25 गो नौजवान का जान गया है रोड एक्सीडेंट में और उसमें कारण था शराब, तो अगर मैंने उनको डांटा तो क्या गलत किया? ये नेता लोग बढ़ावा देते हैं। और ये भी आप याद रखें कि झारखंड के इतिहास में फिलहाल पिछले 10 सालों में कोई झारखंड के इतिहास में अपने बचपन से कहे तुलना करें 10 साल में शायद कोई लीडर पैदा हुआ है जो छाती ठोंक के कहता है कि जो दारू देंगे उसको वोट नहीं करना, बाकी लोग दारू दे के वोट लेते हैं। CGL मामले में जितने भी लड़के को केस हुआ है सब आप भी जानते हैं साजिश ही है, अगर मान के चलिए वो छात्रों का आंदोलन था 3,000-4,000 आपने नामजद किया है अज्ञात, तो उसमें JB केसेस के अलावा एक भी नहीं है, इससे मतलब कहीं ना कहीं साजिश तो है। अगर केस आपस नहीं लेते तो क्या उसके लिए आप लोग आंदोलन करेंगे? निश्चय ही हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे, ऐसे भी झारखंड के लोगों का मुझे लगता है कि जेल में ही स्थान सुरक्षित है, गांव रहा नहीं, नौकरी रहा नहीं, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो जेल में फ्री की खिचड़ी मिलेगी, वही हमारा स्थान होगा। जैसे देवबंधु जो मीडिया कर्मी है और उन्होंने अगर आवाज उठाया नहीं और मीडिया कर्मी भी इस तरह का अगर FIR और इसी तरह किया जाए तो आखिर आगे कौन बायस होकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और इसमें बाहर के लोग हाथ हैं इस आंदोलन में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर के जो संचालक वे भी साथ दिए थे आंदोलन में, लेकिन वो मैक्सिमम UPBR वाले हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, उनका एक का भी नाम नहीं है। झारखंडी लोग आज चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, अगर आज नहीं समझेंगे तो झारखंड इतना खोखला होगा। और सही गाना दादा ने सुनाया कि धीरे धीरे अंदर से जो खोखला किया जा रहा है झारखंड को ना आप अनुमान नहीं कर सकते, इसलिए जो लोग झारखंडियत पे लड़ रहे हैं बोल रहे हैं उनका साथ खड़ा होने का समय। सबसे एक टफ सवाल, झारखंड में सीटेट
को अभी मान्यता दे दिया है जो कि यहाँ के टीचर जो बन सकते हैं, क्या उसे निंदनीय नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अभी तक जेटेट के एग्जाम 2016 के बाद हुई नहीं, आखिर क्यों? और अगर 2016 के बाद नहीं हुआ तो बीएड सेशन बार बार क्यों चल रही, उसे भी बंद करना चाहिए। ये एक व्यापार के माध्यम से चलाया जा रहा है, खड़ा होता है बिल्कुल। आज कहने का शिक्षा को व्यापार बना के रखा है, तो देखिए इसमें लंबा चौड़ा जवाब देने का विषय ही नहीं है। आप स्वयं जाके एक बार, क्योंकि आपका तो चैनल का नाम भी है बीएड वाला, बीएड न्यूज वाला, जो भी है बीएड वाले, आप एक बार ये भी कहने पड़ताल करते हैं कि जितना भी बीएड कॉलेज हमारा प्राइवेट से है उनके स्वामी कौन है? मैक्सिमम एमपी एमएलए है। एक बात बताइए, जो एमपी एमएलए अगर उनका बीएड का कॉलेज होगा तो वहाँ शिक्षा का विकास होगा कि शिक्षा का विनाश होगा, कि शिक्षा को बेचा जाएगा, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरा मानना है, हालांकि मैं जब कुछ बातों को रखता हूँ थोड़ा सा हंसने जैसा लगता है, लेकिन आपको सच्चाई है। सबसे पहला बात कि आपको जो भी एमपी एमएलए होंगे उनके नाम से या फिर उनके परिवार में किसी के नाम पे किसी प्रकार का कोई ऐसा योजना नहीं होना चाहिए, चाहे कॉलेज का हो अस्पताल का हो, उसी से कभी विकास नहीं हो सकता है, बल्कि वहाँ तो लूट होगा। अच्छा, शिक्षा मुक्त होना चाहिए या प्राइस वाला होना चाहिए? अगर मेरा माना जाए तो मुझे तीन चीज़ों को मैं निःशुल्क के पक्ष में रहूँगा, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक न्याय। शिक्षा तो सबको समझते हैं शिक्षा के महत्व को, तो इसलिए अगर मैं फ्री एजुकेशन की बात करूँ तो हर कोई समझेगा, फ्री हेल्थ की बात करूँ तो हर कोई समझेगा, लेकिन जब फ्री जस्टिस की बात करूँ तो शायद आप सवाल करेंगे फ्री जस्टिस की। तो फ्री जस्टिस इसलिए जस्टिस भी जो हो, न्याय भी हो, वो कहने के निःशुल्क होना चाहिए। आप चाइना से उदाहरण ले सकते हैं, चाइना इतना बड़ा कंट्री को बहुत कम मैंने वकीलों और जजों के साथ चाइना चला रहा है, लेकिन हमारे भारत का एक रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे कि हमें जितने भी केस पेंडिंग है 325 साल लगेंगे उनको सोल्यूशन करने में। तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और होगा भी, क्योंकि 200 परिवार के बीच ही न्यायपालिका के जो बड़े बड़े जज हैं वो रह चुके हैं, वो परिवारवाद का ही पार्ट है। हालांकि उस पर कोई ना चर्चा करता है ना ठीक से बात करना चाहता है, तो जो जज बनते हैं वो 200 परिवार तक ही सीमित होते हैं, उनसे आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। गिरिडीह के 17 पंचायत आप घूमे तो क्या कुछ लोगों में देखे और क्या गिरिडीह लोकसभा? जैसे कि हमने गिरिडीह का मुझे विश्वास है, और मैंने पहले कहा, आपने भी पूछा था कि आप मोदी जी से और राहुल जी से मुकाबला कैसे करेंगे, तो मैंने एक ही चीज़ दिया था कि मेरे विचारों में वो धार है, मेरी ऊर्जा है, मैं मुझमें जो शक्ति का अपार है उससे हम मुकाबला करेंगे। हम गिरिडीह संबोधन कर रहे थे तो एक दीदी आई, उन्होंने वही जो पुराना पॉलिटिक्स होता है, एक मंदिर को दिखाया कि मंदिर अधूरा है। हमने एक लाइन में कहा, दीदी माफ़ कीजिएगा, हम लोग मंदिर, चर्च, गिरजाघर और मस्जिद और शरणा स्थल पर चंदा देकर नेता नहीं बने।